क्या आप भी चाहते हैं चोरी छिपे किसी का भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी देखना, और आप इसलिए नहीं देख पाते हैं कि सामने वाले को पता चल जाता है कि आपने वो स्टोरी देखा है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि सामने वाले का स्टोरी आप देख भी लोगे और सामने वाले को पता भी ना चलेगा कि आपने उसका स्टोरी देखा है। आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे रील्स हो, चाहे हाईलाइट हो, इतना कुछ मैं आपको बताऊंगा कि आप ये सब चेक कर सकते हो और सामने वाले को पता भी ना चलेगा कि आपने उसका ये सब चेक किया है। तो ये सब होगा कैसे, तो स्वागत एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में और हाजिर है आपका भाई एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो में आप सबके लिए बहुत कमाल का लेकर के आया हूँ, जो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में पूरा डिटेल, इसका जानकारी जान करके आपको बहुत मजा आ जाएगा। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना कि इंस्टाग्राम पर किसी का भी स्टोरी देखना चाहते हैं, चाहे किसी का झगड़ा हो गया है, चाहे कोई भी मतलब कोई भी मैटर से आप उसका स्टोरी देखना चाहते हो, और आप इसलिए नहीं देखते हो क्योंकि सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपने उसका स्टोरी देखा है, इसके लिए आप उसका स्टोरी नहीं देख पाते हो। तो आपको आज से घबराने का जरूरत नहीं है, आपको ये वीडियो देख करके आपको आज पता चल जाएगा कि आप इंस्टाग्राम पे किसी का भी स्टोरी चोरी छिपे से आप देख सकते हो और सामने वाले को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, देखना है मेरे साथ ये पूरा वीडियो पूरा एंड तक देखना, तब जा करके आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सब करना कैसे है। आप स्किप करके देखोगे तो आपका बीच में का पॉइंट छूट सकता है। तो चलिए, मैं आपको लेकर के चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। और उससे पहले, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, वहीं पे चल के मैं आपको पूरा डिटेल में आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि आपको ये सब करना कैसे है। आपको पूरा डिटेल में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि स्टोरी आपको चेक करके दिखाऊंगा, हाईलाइट चेक करके दिखाऊंगा, पोस्ट चेक करके दिखाऊंगा, रील्स चेक करके दिखाऊंगा, सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे। तो मैं आ गया हूं मोबाइल स्क्रीन पे। इसके बाद आपको जिसका स्टोरी देखना चाहते हैं, जिसको पता ना लगे कि आप उसका इंस्टाग्राम का स्टोरी देखे हैं, तो चलिए आपको क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। जैसे आप इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिएगा तो किसी का भी आप अपना प्रोफाइल जो है उस पर क्लिक कर लेना है। जिसका स्टोरी देखना चाहते हैं तो उसके प्रोफाइल पे आपको सर्च करके आ जाना है। डायरेक्ट क्लिक करोगे तो स्टोरी पे आपका क्लिक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सर्च करके उसके आईडी में आ जाना है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये आईडी है, चलिए मैं अपना स्टोरी देखना चाहता हूँ कि मैंने क्या स्टोरी लगाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस पर क्लिक नहीं किया हूँ, तो आपको इस पर क्लिक करके उसका लिंक कॉपी कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे आपको लिंक कॉपी कर लेना है जिसका आप स्टोरी देखना चाहते हैं। और आपको क्या करना है, आपको अपना गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम स्टोरी व्यूअर। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करिएगा तो फर्स्ट पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि वॉच विदाउट, यहाँ पर पहले से आपको लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आपको जो वहाँ पर जो कॉपी किए थे प्रोफाइल लिंक, वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे लिंक शेयर किए हो तो यहाँ पे जो स्टोरी मैंने लगाया था दूसरे आईडी पे, वो यहाँ पे मेरा शो होने लगा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा वो स्टोरी यहाँ पे आने लगा है, जो मैं वहाँ पे लिंक कॉपी किया था सब यहाँ पे मेरा दिखने लगा है। आप किसी का भी पोस्ट देख सकते हो, रील देख सकते हो, हाईलाइट चेक कर सकते हो। तो चलिए, मैंने ये स्टोरी आपको यहाँ पे दिखा दिया कि मैंने ये स्टोरी लगाया है। तो आपको ये स्टोरी को देखना है तो आपको इस पर क्लिक करके आप ये देख सकते हो। अगर आप भी इस बढ़ती गर्मी में हो रहे हैं परेशान, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं ये स्टोरी यहाँ पे देख रहा हूँ, और ये आईडी वाले को पता नहीं चलेगा किसी का आप आईडी जो है यहाँ पे लिंक कॉपी की हो, उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टोरी देखा है। होता है ना, किसी का आप स्टोरी देखना चाहते हो और लगे ना कि उसको कि आपने स्टोरी वो देखा है। और आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो उसका स्टोरी। और एक ख़ास बात, आप उसका ही स्टोरी देख सकते हो जिसका अकाउंट पहले से पब्लिक हो, प्राइवेट होगा तो आप नहीं देख सकते हो। इसके बाद चलिए हाईलाइट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाईलाइट भी चेक कर सकते हो उसका, मतलब पोस्ट भी चेक कर सकते हो, रील्स भी चेक कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे आपको बहुत सारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है फीचर जो आप देख सकते हो, और उसको सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने वो स्टोरी देखा था, चाहे पोस्ट देखा था, चाहे हाईलाइट चेक किया था। तो है ना ये कमाल का ट्रिक। तो आप भी ऐसा ट्रिक इस्तेमाल करके आप बहुत अपना आसानी से देख सकते हो किसी का भी स्टोरी, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टोरी देखा है। आई होप दोस्तों, आपको ये वीडियो देख करके आपको आज से समझ में आ गया होगा कि अब किसी का भी स्टोरी आप चोरी छिपे देख सकते हो, पोस्ट देख सकते हो, रील्स देख सकते हो,
यानी कि हाईलाइट भी चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को कर देना लाइक और साथ में चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद।